हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबर पाना चाहते हैं तो साथियों आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबर लेकर आया हूं, खासतौर पर डीएसएसबी में जो वैकेंसीज हैं इससे जुड़े हुए काफी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन हैं, और इसके बाद जो हरियाणा के अंदर भी काफी वैकेंसीज आने वाली हैं इसके बारे में बात करेंगे, और एक और अपडेट आई है चौंकाने वाली उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों इससे पहले कल एक क्वेश्चन दिया था, सॉरी परसों एक क्वेश्चन दिया था, कल तो मॉर्निंग न्यूज नहीं आ पाई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो जो मैंने परसों क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कि सुपर मॉम के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, मतलब सुपर मॉम के नाम से कौन से खिलाड़ी को हम जानते हैं, तो मैरी कॉम को हम सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। और इस पर जो सबसे पहले करेक्ट आंसर आए, प्रताप पवार, रेशमा मलिक, मोहित पांचाल, प्रियंका कालिया, सीमा मीना, डॉक्टर जे आर निगम, और प्रताप पवार जी का सबसे पहले करेक्ट आंसर आए। और जिन साथियों ने आंसर दिया है सभी को दिल से धन्यवाद। इसके बाद जो आज के लिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है, मतलब कौन हमारे रक्षा मंत्री बने हैं वो आपको बताना है। इसके बाद साथियों अभी जो अपडेट आ रही है वो चौंकाने वाली अपडेट आ रही है, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि बारहवीं जो सीबीएसई के एग्जाम हुए थे तो उसमें बारहवीं कक्षा की जिला टॉपर एक लड़की थी जिसका नाम था तनीषा। तो वो तनीषा मतलब दोबारा जब मूल्यांकन किया गया, उसके मार्क्स देखे गए, तो वो मतलब देश की थर्ड टॉपर बन गई। सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, जो बारहवीं कक्षा का एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, तो रिजल्ट आया तो तनीषा उसमें जिला टॉपर बनी थी। लेकिन तनीषा को अपने ऊपर विश्वास था कि मेरे जो मार्क्स है वो इस सब्जेक्ट में इतने नहीं है जितने मुझे दिए गए हैं, मेरे इससे अच्छे मार्क्स हैं। इसके बाद जो दोबारा मूल्यांकन किया गया तो उस मूल्यांकन में उस लड़की के मार्क्स बढ़े, और मार्क्स बढ़ने के बाद वो देश में थर्ड पोजीशन पे आई। तो कहीं ना कहीं ये जो मूल्यांकन में कमी है, जो मार्क्स ढंग से नहीं देखे जाते, मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, अब बताओ इसने तो दोबारा रीचेकिंग करा दी, अगर नहीं कराती तो कहीं ना कहीं इसका जो टैलेंट था लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये काफी सोचने वाली बात है कि हम इतनी लापरवाही क्यों करते हैं, इवन शिक्षा के क्षेत्र में इतनी लापरवाही क्यों होती है। तो ये बहुत गलत है, और तनीषा को मैं, हालांकि तनीषा हमारे आसपास से ही है, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद और मैं पलवल के पास से हूँ, तो रियली दिल से बहुत अच्छा लगा। तो तनीषा आपको, आपके पूरे परिवार को दिल से शुभकामनाएं, आप लाइफ में आगे और तरक्की करें। और इसके बाद साथियों अभी जो और बात करते हैं डीएसएसबी में वैकेंसीज, तो साथियों टेंशन ना लें आप लोग, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, शाम को भी बताया था कि आप टेंशन ना लें, वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, ये नहीं कि सिर्फ डीएसएसबी के अंदर, क्योंकि अभी क्या है कि डीएसएसबी में काफी, टीजीटी में भी काफी ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसीज नहीं आई है। तो टेंशन ना लें, और जो वैकेंसीज आएंगी उनमें वो देखने को जरूर मिलेंगी, जो सब्जेक्ट रह गए सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इसके बाद साथियों अभी जो और अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर अभी हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, इनकी काफी सारी वैकेंसीज पास हुई हैं, और इनके अलावा टीचिंग के भी काफी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। आप देश के किसी भी कोने से वैकेंसीज की वेट कर रहे तो हर कोने में वैकेंसीज आने के 99% चांसेस हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने जो 100 डेज का एक्शन प्लान बनाया है उस पर फोकस किया जा रहा है, और आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो रियली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू,
तो आप जो मेरा एक कांटेक्ट नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको नोट्स डेली मिलते रहेंगे, और आप इसके बाद नोट्स लेने के बाद ये नोट्स एक दूसरे के पास शेयर करें जिससे सभी को बेनिफिट मिल पाए। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का जो काला बटन है उसे बिल्कुल ब्लू कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर लग रही है आपको कि अच्छी नहीं है, आपका टाइम वेस्ट किया, तो आप बेझिझक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।